हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि यूपी पीसीएस 2021 के लिए जीएस के जो सारे टॉपिक्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, एग्ज़ाम के पहले सारे जीएस आपके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर दिए जाएंगे। हम लोग की पूरी कोशिश है दोस्तों कि आपको ऐसा कंटेंट दिया जाए कि आपके एग्ज़ाम में इसके इतर कुछ भी ना पढ़ना पड़े। हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। YouTube पे और भी जो सोर्स मौजूद हैं, हम लोगों ने उन पूरे सोर्स का स्टडी किया, तो हम लोग कोशिश किए कि हम लोग खुद को बेहतर कैसे रख सकें। तो खुद को बेहतर रखने के लिए हम लोग देखिए अपना खुद का कंटेंट तैयार कर रहे हैं। और आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री से अपने यूपी पीसीएस 2021 के लिए या अदर आपको जो भी एग्ज़ाम देना पड़े, हालांकि हम लोग का टारगेट तो यूपी पीसीएस 2021 है, पर बीच में जो भी एग्ज़ाम आए वो सारे एग्ज़ाम के लिए आपके ये बेहद यूजफुल होगा। खासतौर पे हम देखेंगे कि अभी बिहार पीसीएस का पेपर है, बिहार पीसीएस में तो हिस्ट्री की एकदम बम्बार्डिंग होती है। मतलब आप समझिए कि 30 क्वेश्चन की गरिमा में तो अकेले इतिहास से रहता है। पिछले दिनों की अगर हम लोग बात करें तो 40 क्वेश्चन की गरिमा में इतिहास विषय से अकेले रहे हैं। यही देखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले आपके जो जीएस के टॉपिक को कवर करने का डिसीजन लिया है वो लिया है इतिहास विषय से। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आपका जो इतिहास है उसको ख़त्म करेंगे। और इतिहास में आज हम लोग टारगेट पे उठाए हैं सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री को, एकदम सिलसिलेवार हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हम लोग हिस्ट्री के लेखन पे जाएं, इतिहास लेखन, जब हम लोग आधुनिक इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, अगर हम लोग उस पे जाएं तो आधुनिक इतिहास लेखन प्रारंभ कब हुआ, तो हम लोग देखेंगे कि जब ब्रिटिश भारत में आके एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्टेबल हो जाते हैं बक्सर के युद्ध के बाद से, तब उनको लगा कि हम लोग यार कि भारत पे शासन करने के लिए हम लोग को भारतीयों को समझना जरूरी है। अब भारतीयों को समझने के लिए भारत जो यहाँ की बुक्स हैं, जो यहाँ की हम लोग कह सकते हैं कि जो साहित्य यहाँ के रहे हैं, उनको स्टडी करना बड़ा जरूरी है। इसी को देखते हुए जो है कि एक इंस्टीट्यूशंस संस्थाओं की स्थापना की गई, और जो पहली संस्था बनी वह है एशियाटिक सोसाइटी बंगाल 1784 में। जो दूसरी संस्था बनी वो है एशियाटिक सोसाइटी बम्बई, और जो तीसरी संस्था बनी वो है एशियाटिक सोसाइटी लंदन। जो बंगाल थी वो 1784 में बनी, जो एशियाटिक सोसाइटी बम्बई है वो 1804 में बनी, और जो एशियाटिक सोसाइटी लंदन है वो 1823 में बनी। तो हम देखेंगे दोस्तों कि पेपर में ऑर्डर करने के लिए भी आ सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, बम्बई और लंदन को। तो पहली फैक्ट तो हम लोग यहाँ से अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो अब बात आती है दोस्तों कि किसी भी बुक्स के अध्ययन के लिए हम इन लोगों ने क्या किया कि एक संस्थान तो बना दिया। अब बात है कि उस बुक्स को स्टडी करने का नज़रिया क्या था, तो हम लोग देखेंगे कि जो दृष्टिकोण था वो लगभग चार प्रकार के दृष्टिकोण थे, लेकिन तीन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स बिहार पीसीएस ने भी क्वेश्चन पूछी हुई है, हम लोग उस एरिया को सीधा टच करेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे कि जो इतिहास लेखन का दृष्टिकोण है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक जो है वो है साम्राज्यवादी, दूसरा है राष्ट्रवादी, और तीसरा है मार्क्सवादी। जो दोस्तों साम्राज्यवादी हैं, इनमें भी दो लोग हैं, एक तो है प्राच्यवादी और एक है उपयोगितावादी। ये दोनों के उल्टा हैं। एक प्राच्यवादी, ये भी इंग्लिश ही हैं, उपयोगितावादी भी अंग्रेज ही हैं, लेकिन दोनों के वर्णन में, भारतीय इतिहास के वर्णन में अंतर देखने को मिलेगा। जो प्राच्यवादी हैं वो प्राचीन भारत का जो इतिहास रहा है उसको उपलब्धियों का काल मानते हैं और उसकी गौरव गाथा करते हैं। तो जो प्राच्यवादी हैं वो प्राचीन भारत को महान उपलब्धियों का काल मानते हुए उसकी गौरव गाथा करेंगे। उनमें कौन है, विलियम जोन्स हैं, जेम्स प्रिंसप हैं, मैक्स वुलर, ऐसे विद्वान सम्मिलित हैं। हम लोग देखेंगे इतिहास की कई गुत्थियों को इन प्राच्यवादियों ने सुलझाया है। जैसे जो सेंड्रो कोट्स, जो विलियम जोन्स थे, उन्होंने ही सेंड्रो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त से की है, और ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिहार पीसीएस में कई बार आया हुआ है, बिहार पीसीएस में। जेम्स प्रिंसप जो इसके दूसरे हैं, हम लोग देखेंगे कि अशोक के अभिलेखों को इन्होंने पढ़ा था, अशोक के अभिलेखों को इन्होंने पढ़ा था, वो थे जेम्स प्रिंसप। तो ये दोनों फैक्ट हम लोग देखेंगे कि प्रिलिम्स में आ जाते हैं, और ये दोनों प्राच्यवादी हैं। अब थोड़ा सा उपयोगितावादी को समझते हैं दोस्तों। उपयोगितावादी हम लोग देखेंगे कि प्राच्यवादी के जस्ट उल्टा हैं ये। यहाँ तक कि जो प्राच्यवादी हैं उनको सनकीपन का शिकार कह देते हैं। वो कहते हैं भैया ये सनकी हैं और अजीबोगरीब जो है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जो प्राचीन भारत था,
ये तर्कवाद और बुद्धिवाद की उनमें कमी थी। एक्चुअली ये क्यों कहते हैं कि जब तक ये नहीं कहेंगे कि प्राचीन भारत में तर्कवाद एवं बुद्धिवाद की कमी थी, तब तक ये खुद को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तब तक भारतीय जनता पब्लिक जो है उसका सहयोग नहीं पा पाएंगे। अब लोग देखेंगे कई सारे लोग प्रिंसिपल भी देते हैं, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, ऐसे कई तरह के लोग प्रिंसिपल देते हैं। तो जो प्राच्यवादी हैं, जो उपयोगितावादी हैं, वो बिल्कुल प्राच्यवादी के उलट हैं। इनमें शामिल कौन है? तो जेम्स मिल और मैकाले जैसे लोग शामिल हैं। आप देखेंगे कि जब इतिहास लेखन शुरू होता है तो एक ने क्या किया कि उपयोगितावादियों ने जो इसमें हम कह सकते हैं लीडिंग रोल था, वो उपयोगितावादियों का ही था, क्योंकि थे तो दोनों अंग्रेज, तो इसमें उपयोगितावादी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आए। तो जो इन लोगों ने, यानी हम लोग कह दें कि ओवरऑल अगर हम लोग साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को देखें तो भारत के इतिहास को इन लोगों ने एक तरह से थोड़े बुरी तरह से पेश किया। बोला कि तर्कवाद की कमी है, बुद्धिवाद की कमी है, इतिहास ज्ञान इन लोग को नहीं था, जो कालक्रम का ज्ञान है वो नहीं था, ऐसी कई सारी चीज़ों पर ये लोग कमेंट करते हैं भारत के इतिहास पर। लेकिन बात आती है राष्ट्रवादियों की। जब राष्ट्रवादी आएंगे तो इनमें अधिकांश विद्वान ऐसे थे जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थे। यानी हम लोग देखेंगे जब ये इतिहास का, भारतीय इतिहास का ये वर्णन करेंगे तो ये बढ़ा चढ़ा के करेंगे। इनमें के पी जायसवाल शामिल हैं, आर के मुखर्जी शामिल हैं। जैसे ये सब कहेंगे कि भारत में पहले से संवत चली आ रही थी, यानी कालक्रम का ज्ञान था भारतीयों को। ये बोलेंगे गुप्ता पीरियड को जो है कि स्वर्ण युग की संज्ञा देंगे। तो ऐसे हम लोग देखेंगे कि इतिहास का ये लोग थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के जो कि व्याख्यान करेंगे। प्रिलिम्स के पेपर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लेते हैं। आगे हैं मार्क्सवादी। मार्क्सवादी हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इतिहास के अध्ययन में ये भौतिक परिवर्तनों को आधार बनाएंगे। इतिहास के अध्ययन में ये लोग भौतिक परिवर्तन को आधार बनाएंगे और ये कहेंगे कि वो भौतिक परिवर्तन ही हैं जो सामाजिक परिवर्तन को जन्म देते हैं। यानी इनका आधार भौतिक परिवर्तन बनेगा और इनका कहना है कि आंतरिक स्तर पर समाज हमेशा से विभाजित रहा है। यानी ये कहना चाहते हैं कि चूंकि समाज में हमेशा से भौतिक चेंजिंग रही है, कुछ लोग समाज में भौतिक रूप से संपन्न रहे हैं और कुछ लोग समाज में भौतिक रूप से निचले पैदान पर रहे हैं, ऐसे में जब भौतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है तो जो समाज था, जो भारतीय समाज था, इनके कहने का मतलब है, वो स्टार्ट से ही विभाजित रहा है। इसमें जो लोग हैं वो डी डी कौसाम भी हैं, रोमिला थापर जैसे लोग हैं। आगे हम लोग अध्ययन के स्रोत पे जाएंगे दोस्तों, अध्ययन के सोर्स पे जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत को पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं दोस्तों, सबसे पहले तो इसी को समझते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत क्या है कि प्राचीन काल के अध्ययन में प्रयुक्त भौतिक स्रोत हैं। हम लोग देखेंगे कि पिछले एंशियंट पीरियड में जो भौतिक स्रोत जैसे अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ये जो चीज़ें यूज की गई थी, जिनके अवशेष हम लोग को किसी न तो किसी माध्यम से, चाहे उत्खनन या आकस्मिक रूप से मिले हुए हैं, उनको स्टडी करने के बाद हम लोग क्या है कि प्राचीन भारत का इतिहास लेखन करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख शामिल है, सिक्के शामिल हैं, स्मारक शामिल हैं, ये चीज शामिल है। अगर हम लोग दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख को यहीं पर देखें तो जैसे एक है हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल से संबंधित है। जो जूनागढ़ अभिलेख है जिसको हम लोग गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, ये रुद्रदामन से संबंधित है। जो एहोल अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जो प्रयाग स्तंभ लेख है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। जो नासिक अभिलेख है ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। जो मंदसौर अभिलेख है ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। जो भीतरी स्तंभ लेख है यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो दोस्तों इसको एक शॉर्ट नोट्स आप लोग लिख लेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और पेपर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, या यूपी के अदर एग्जामिनेशन हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहे हैं। इतिहास के अध्ययन के जो साहित्यिक स्रोत है दोस्तों, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, साहित्यिक स्रोतों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो साहित्यिक स्रोत है वो दो प्रकार के हैं, एक तो धार्मिक साहित्य है और दूसरा जो है वो गैर धार्मिक साहित्य, हम लोग कह सकते हैं जो विदेशी साहित्य हैं वो हैं। तो जो भारतीय साहित्य हैं और जो विदेशी साहित्य हैं वो दो हैं। भारतीय साहित्य में भी धार्मिक साहित्य हैं और गैर धार्मिक साहित्य हैं। आते हैं देखते हैं धार्मिक साहित्य में। धार्मिक साहित्य में हम लोग देखेंगे कि कुछ ब्राह्मण साहित्य हैं। ब्राह्मण साहित्य मतलब जैसे वेद, उपनिषद, महाकाव्य और पुराण,
गैर ब्राह्मण साहित्य में जैसे हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म की जो साहित्य हैं, जो जैन धर्म के साहित्य हैं, धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो कि पेपर में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, उनको भी हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखेंगे। अब आते हैं कि जो ब्राह्मण साहित्य थोड़ा सा उनको देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि कुल 18 पुराण हैं। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि इन 18 पुराणों में 5 ऐसे पुराण हैं, इन 18 पुराणों में 5 ऐसे पुराण हैं जिनमें हमको हम देखेंगे कि राजाओं के वंशावलियों की चर्चा मिलती है, राजाओं के राजवंशों के वंशावलियों की चर्चा मिलती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए कि निम्नांकित पुराणों में से कौन सा ऐसा पुराण है जिनमें राजाओं के वंशावलियों की चर्चा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो जो है उनका नाम है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। तो 5 है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ये उन 18 में से 5 पुराण हैं जिसमें राजवंशों के वंशावलियों की चर्चा मिलती है। बौद्ध में हम लोग देखें दोस्तों तो त्रिपिटक जैसे विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है, मिलिंद पन्नो और दिव्यावदान, ये तीनों बुक्स जो हैं ये बौद्ध धर्म की हैं। इनसे हमको इतिहास की कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जो जैन धर्म का है दोस्तों वो भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, परिशिष्ट पर्वण है। कितनी बार बुक्स को पे क्वेश्चन ऐसे जाता है कि निम्नांकित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है। परिशिष्ट पर्वण दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी परिशिष्ट पर्वण में मौर्यों का नंदों के ऊपर आक्रमण की चर्चा मिलती है। तो मौर्य और नंद की जो आक्रमण था, जो वार था, एक दूसरे की चर्चा कहां पर मिलती है, तो परिशिष्ट पर्वण में मिलती है। इस चीज को ध्यान देंगे, बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि परिशिष्ट पर्वण में मिलती है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य को थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो मालविकाग्निमित्रम है, मालविकाग्निमित्रम क्या है, एक लव स्टोरी है, मालविका और अग्निमित्र, जिसमें मालविका नायिका है और अग्निमित्र नायक है। ये कालिदास की एक लव स्टोरी है, मतलब कालिदास की नहीं, कालिदास द्वारा लिखी गई एक लव स्टोरी है जिसके नायक नायिका मालविका और अग्निमित्र हैं। इनकी एक अगली इंपॉर्टेंट बुक जो है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसी तरह अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि की लिखी गई है और यह एक व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। महाभाष्य जो कि पतंजलि द्वारा लिखी गई है, पतंजलि वो जो रामदेव वाला जो पतंजलि है वो इन्हीं के नाम पर लिखा गया है। और ये पतंजलि का बेहद इंपॉर्टेंट एक फैक्ट अक्सर पेपर में आता है कि यह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे दोस्तों, इस चीज को ध्यान देंगे। गार्गी संहिता दिया दोस्तों, गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये ध्यान देंगे, गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। राजतरंगिणी हमको पता है कल्लड़ के द्वारा लिखी गई है, और मुद्रा राक्षस जो कि विशाखादत्त के द्वारा लिखी गई है, ये सब धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। विदेशी साहित्य पे अगर हम लोग जाएं दोस्तों, तो विदेशी साहित्य के बारे में देखते हैं हम लोग देखें तो मेगास्थनीज ने हेरोडोटस, फाइयान, इत्सिंग, अलमसूदी, ये सब समय समय के साथ भारत में आए और इन्होंने जो है कि इतिहास लेखन किया। आगे अगला हम लोग दोस्तों देखें तो स्मृति ग्रंथ आते हैं, आगे स्मृति ग्रंथ आते हैं। स्मृति ग्रंथों में देखो हम लोग जो इंपॉर्टेंट लिखे हैं वह है मनुस्मृति, वाक्य याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति। दोस्तों यहां पे थोड़ा सा देखेंगे कि जो नारद स्मृति है ये गुप्ता पीरियड से संबंधित है, इस चीज को ध्यान देंगे। जो नारद स्मृति है वो गुप्ता पीरियड से संबंधित है, ये ध्यान देंगे। जो मनुस्मृति है दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि मेघातिथि के द्वारा मनुभाष्य नाम का एक टीका लिखा गया है। मनुस्मृति पर मेघातिथि द्वारा मनुभाष्य नामक एक टीका लिखा गया है मनुस्मृति पर। और याज्ञवल्क स्मृति जो कि है विज्ञानेश्वर द्वारा मिताक्षरा नामक टीका लिखा गया है याज्ञवल्क्य स्मृति पर। जो नारद स्मृति है वो गुप्ता पीरियड की है, इस चीज को ध्यान देंगे। यहाँ पे दोस्तों एक नोट करके लिखा गया है कि जो दाय भाग है, दाय भाग का अर्थ ही होता है पैतृक धन का विभाग, दाय भाग का अर्थ होता है पैतृक धन का विभाग। यह जिमूत वाहन के द्वारा लिखा गया है, जिमूत वाहन के द्वारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग कह सकते हैं कि भारत में आधी जो वुमेन्स की प्रॉब्लम है वो इसी की दी गई है, क्योंकि इन्होंने संपत्ति पे पुत्रों का अधिकार बता दिया। और जब संपत्ति के पे पुत्रों का अधिकार बता दिया, यानी इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पुत्रियों को भौतिक रूप से अलग कर दिया गया, यानी जो पैतृक संपत्ति है उससे पूरी तरह से अलग कर दिया गया। अब जब पैतृक संपत्ति से पुत्रियों को पूरी तरह से अलग कर दिया गया, तो यहीं से पुत्रों की एक तो आकांक्षा पहले से ही थी, अब बढ़ जाएगी,
यानी जीमूत वाहन ने कहीं ना तो कहीं स्त्रियों की स्थिति खराब करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इनकी जो दाएं भाग है वो है पैतृक धन का विभाग है, इसी में उन्होंने बताया है कि संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होगा। आगे दोस्तों कल हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, तो जो प्रागैतिहासिक काल पूरा हम लोग कल खत्म करेंगे, जो हम लोग का सेकेंड लेक्चर होगा। तो दोस्तों जिन लोग को ये वीडियो अच्छा लगे वो लोग हमारे चैनल UPSC हिंदी को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि देखिए अब हम लोग दोस्तों जो ऐड आ रहे थे उस ऐड को पूरी तरह बंद कर दिए हैं ताकि आपको वीडियो देखने में थोड़ी भी समस्या ना हो। तो दोस्तों मोटिवेशन के लिए आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल UPSC हिंदी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।